अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग कुछ नई टेक्निकल बातें करेंगे। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग बशमूल मैं ख़ुद भी, जब हम सोए होते हैं तो सोने के बाद जब उठते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आप बाहर जो सरफेस है वो गीली होती है, यानी बारिश हुई होती है। अब ये जो बारिश होती है इसकी फोरकास्ट आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर जो वेदर की ऐप है वहाँ से आप लोग देखते हो और उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करने शुरू कर देते हो कि ये बारिश कितने दिन रहेगी, और हम अपना प्लानिंग या स्केड्यूल उस हिसाब से तरतीब देते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम लोगों को, क्योंकि ये जो बारिश होती है इसके ऊपर तो हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता। अलबत्ता आपको एक मेथड के बारे में बताने लगा हूँ जिसकी मदद से हम लोग अपने जो बारिश है किसी स्पेसिफ़िक एरिया के लिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक ख़ास किस्म का मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं क्लाउड सीडिंग। तो ये क्लाउड सीडिंग क्या है ये हम वीडियो के अंदर आगे चल के बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरीके से है कि क्लाउड सीडिंग के अंदर क्या होता है कि नहीं तो भाई ये एक मॉडिफ़िकेशन है क्लाउड स्ट्रक्चर के अंदर, यानी क्लाउड स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो हमने मॉडिफ़िकेशन करनी है, कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है ताकि हम इसको एज अ क्लाउड सीडिंग के तौर पे काम करें। तो क्लाउड जो हमारे पास होता है या सीडिंग होती है उसके अंदर ये होता है कि जो क्लाउड होता है वो छोटे छोटे जो होते हैं ना वाटर के कतरे, पानी के कतरे, उनसे मिलके बनता है। तो ये मिलकर बनाते हैं, उसके बाद ये क्या कहते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट बनाता है। ये जो क्लाउड ड्रॉपलेट होते हैं ये ऊपर उठते हैं ज़मीन की सतह से, बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हैं और वहाँ पे सुपर कूल हो जाते हैं, यानी ठंडे हो जाते हैं, और फिर ये ड्रॉप डाउन होते हैं यानी बरसते हैं इन दी फॉर्म ऑफ आइस या बारिश की तरह ये बरसते हैं। तो बुनियादी तौर पर क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, इन्हीं ये जो हमारे पास जो क्लाउड की स्ट्रक्चर बनी है वाटर वेपर की मदद से, इसके ऊपर हम लोगों ने बम्बार्डमेंट करनी है। किस चीज़ की? एक ख़ास किस्म की जो है वो आइस पार्टिकल है जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। ये जो सिल्वर आयोडाइड है जब हम इसको क्लाउड की जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मिक्स करते हैं या बम्बार्डमेंट करते हैं तो वहाँ पर एडिशनल न्यूक्लियाई बनते हैं। एडिशनल न्यूक्लियाई से मुराद ये है कि जितने भी वहाँ पे जो क्लाउड के जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस ना सिर्फ वो खुद होते हैं बल्कि इर्द गिर्द के जितने भी जो पार्टिकल्स हैं उनको भी ये कंडेंस कर देते हैं, और कंडेंस करने से वो चेंज हो जाते हैं, शिफ्टिंग उसमें आ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो है क्या कहते हैं अपना बर्फ़ में भी तब्दील हो जाते हैं, और समटाइम ये है कि इससे बारिश भी हम लोग ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अक्सर आपने देखा होगा जैसे बरानी इलाके हैं वहाँ पर बादल आते हैं और बरसते नहीं हैं। अगर हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करें, सीड क्लाउडिंग की जो टेक्निक है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि हम उन जो बादल हैं जिसके अंदर पानी की जो मकदार है वो ज़रा अगर कम भी है तो उनके ऊपर हम लोग इस सिल्वर आयोडाइड के जो आइस पार्टिकल्स है उनकी बम्बार्डमेंट करके उनके स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम लोग बारिश बरसा सकते हैं और बर्फ़बारी भी बरसा सकते हैं। तो हम लोग ये क्यों यूज़ करते हैं ये सारा प्रोसीजर? बुनियादी तौर पर ये प्रोसीजर यूज़ करने का जो हमारा मकसद ये होता है, ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पे आइस के रिज़ॉर्ट बने होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बर्फ़ के रिज़ॉर्ट्स होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर बादल तो बने रहते हैं लेकिन बर्फ़ की जो बर्फ़बारी है उसकी रेशो कम होती है, तो हम इसको क्लाउड सीडिंग फिनोमेना को वहाँ यूज़ करते हैं। और ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर जो है वो बादल हर वक्त छाए रहते हैं या धुंध का राज होता है, ख़ास तौर पर जो ऐसे इलाके जहाँ पर रनवे हो या जो क्या कहते हैं अपना जहाज़ों ने उतरना हो और उन्होंने चढ़ना हो, लैंडिंग करनी हो या फ्लाइट उड़ान भरनी हो, तो वहाँ पर हम लोग क्लाउड सीडिंग का फिनोमेना यूज़ करके इस फोग को हम लोग ख़त्म कर देते हैं ताकि जो है वो जो क्या कहते हैं लाइन ऑफ साइट क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ भी ऐसे इलाकों में ख़ास तौर पे जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे अगर बर्फ़ की रेशो कम पड़ती है तो क्लाउड सीडिंग की मदद से वहाँ पे बर्फ़ की रेशो हम बढ़ा सकते हैं ताकि समर सीज़न के अंदर हम लोग यहाँ से पानी अच्छा खासा हाइड्रो कंपनी जो है वो निकाल लें। उसके बाद जो है वो इसमें एक और चीज़ ये है कि हम लोग ये जो आइस की बम्बार्डमेंट करते हैं सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स की, ये हम किस मेथड से कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर जो है ना वो दो मेथड्स हैं हम कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि जो कि एक्सपेंसिव है ज़रा, उसमें हम लोग एरोप्लेन की मदद से हम लोग छिड़काव करते हैं इस पार्टिकल का, और दूसरा तरीकाकार ये है कि हम लोग
के पास उस इलाके के अंदर ऐसी गन हो जो गन जो है वो स्काई की तरफ थ्रो करे ये आयोडेट पार्टिकल्स की, जो कि मिक्सअप होकर एक नया आयन बनाएंगे और जिसकी वजह से ये जो क्लाउड पार्टिकल्स हैं या वेपर्स हैं ये फिर ड्रॉप डाउन होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो ये जो फिनोमिना है अक्सर पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और ख़ास तौर पर ये शंघाई के अंदर, जब ये पीछे ओलंपिक्स हुई थी शंघाई ओलंपिक्स, उसके अंदर क्या हुआ कि जो उन्होंने बनाए थे स्टेडियम्स वो ओपन रखे हुए थे तो और वेदर फॉरकास्ट एकदम से आ गई और बारिश की वजह से उनकी इब्तदाई जो थी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी इब्तदाई सरमनी के लिए। तो उन्होंने क्लाउड सीडिंग का फिनोमेना यूज़ करते हुए क्या हुआ कि जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर तो बारिश हो गई लेकिन जो स्पेसिफ़िक एरिया था जो दरमियान वाला वहाँ पर बारिश नहीं हुई। तो ये एक टेक्निक है, एक नई चीज़ है जिसके ऊपर साइंसदान वर्किंग कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है वो नेचर को अपने कंट्रोल के अंदर लेके आए। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, ज़ाहरी बात है ये जो सिल्वर आयोडाइड का जो केमिकल है ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन चूंकि हम लोगों की जितनी भी जो बारिश की जो रिक्वायरमेंट है ये ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे जो है वो ह्यूमन की जो लाइफ है वो ज़रा कम होती है, ख़ासतौर पर पहाड़ों पर या खेतों खलिहानों वगैरह में, तो ये वहाँ पर यूज़ हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाया जा रहा है। आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, जिनको पसंद आई है तो वो लाइक करें। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।